हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ रेजोनेंस कॉलम। द डायमीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 512 हर्ट्ज एंड द एयर टेम्परेचर इज लाइक 38 डिग्री सेल्सियस इन विच द स्पीड ऑफ द साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड विद द टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। When the first resonance occurs, the reading of the water level in the column is, and our options are option A 14 centimeter, B 15.2 centimeter, C 16.4 centimeter and D 17.6 centimeter. So the key concept used here is like closed organ pipe, right? तो हमें दे रखा है कि हमारा लाइक स्टूडेंट है जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, जिसके पास एक लाइक कॉलम ट्यूब है, ऐसा कुछ ट्यूब है हमारे पास, राइट। एंड ये क्या होगा, वन साइड से ऐसे होगा, राइट, दिस इज आवर ट्यूब। नाउ इसमें जो है जो नाउ ये जो टॉप ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है, इसका जो लाइक ये जो है लाइक जब ये फर्स्ट रेजोनेंस अकर होता है तब रीडिंग क्या होती है वो हमें निकालना है, राइट। सो फर्स्ट लाइक ये फर्स्ट कब होगा, जब ये एंड लाइक नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा फर्स्ट रेजोनेंस होता है, या फर्स्ट फंडामेंटल या बेसिक और भी से फंडामेंटल मोड में ये होता है, और विशेष तो फर्स्ट रेजोनेंस अगर होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनारियो आएगा, राइट। एंड ये लेंथ कितना है, डेट इज एल, डेट से नाउ ये जो रीडिंग जो मेजर किया गया है लाइक वाटर लेवल में, डेट इज एल प्लस ई, लाइक ई हमारा क्या होता है, लाइक दिस इज एल प्लस ई आ जाएगा। एंड ई यहाँ पे क्या है, डेट इज एंड करेक्शन है, राइट। सो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, लाइक लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस एंड करेक्शन। एंड ये जो लेंथ होता है डेट इज एल बाई फोर, लाइक लेमडा बाई फोर के इक्वल हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमारे एक वेव है पूरा एंड ये 1/4 पार्ट है, तो एल प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज लेमडा बाई फोर, राइट। एंड वी नो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है डेट इज 0.3 × डी, डी इज अ कैपिटल डायमीटर ऑफ द दिस ट्यूब। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू लेमडा को क्या लिख सकते हैं, डैट इज वी इक्वल टू एफ लेमडा होता है, राइट, एफ फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। सो लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से लिख देंगे वी डैट इज गिवेन है, डैट इज 336 मीटर पर सेकेंड, राइट, अपॉन लेमडा डैट इज 512 हर्ट्ज, राइट, इंटू फोर माइनस ई, ई क्या हो जाएगा, डैट इज 0.3 × डायमीटर, डायमीटर क्या दे रखा है, डैट इज 4 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, 10^-2 हो जाएगा, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल इक्वल टू आ जाएगा, डैट इज 0.152 मीटर, राइट, और भी से डैट इज एल इक्वल टू 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं, डैट इज 15.2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लेंथ आ जाएगा। सो द आवर आंसर इज डैट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।